हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र। दोस्तों, एक किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के सीरीज में मैं किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स किसे कहते हैं एंड घर्षण बल किसे कहते हैं इसके बारे में बता चुकी हूँ, और जितने भी पॉइंट किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स से हैं उन सबको मैं जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दोस्तों, सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सेंटर यानी मध्य, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी किसी भी वस्तु या शरीर का मध्य बिंदु। ठीक है, शाब्दिक अर्थों से ही समझिए दोस्तों। मैं इसमें उसी पॉइंट को ऐड की हूँ जो आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है। एक भी पॉइंट फालतू नहीं है, इसमें 7 पॉइंट है और 7 पॉइंट्स आपके क्वेश्चन एग्जाम में 100% गारंटी है कि पूछा जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी किसी भी वस्तु या शरीर का मध्य बिंदु। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते किसे हैं? सबसे पहले बात कि वस्तु का मध्य बिंदु, जहाँ से वस्तु सभी दिशाओं में घूमने के लिए मुक्त हो। जैसा कि चित्र में दिख रहा है कि मानव शरीर के मध्य बिंदु कहाँ है, जो हमारे नाभि का पार्ट होता है वही मानव शरीर का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो वस्तु का मध्य बिंदु जहाँ से वस्तु चारों दिशाओं में घूमने के लिए मुक्त हो, उसी को हम मध्य बिंदु या गुरुत्व केंद्र, ठीक है, कहते हैं। तो आप तो ये समझ गए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं। तो वस्तु का मध्य बिंदु जहाँ से वस्तु चारों दिशाओं में घूमने के लिए मुक्त हो, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ठीक है, एंड वह बिंदु जहाँ पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता हो, जहाँ पर मध्य बिंदु जहाँ से वस्तु चारों दिशाओं में घूम सकता हो, और वह बिंदु जहाँ पर शरीर का या जहाँ पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता हो, वही फिर मध्य बिंदु होता है, वही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, दो पॉइंट आप याद रखिए, मध्य बिंदु और जहाँ पर समस्त भार कार्य करता हो। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए दो पॉइंट कि जहाँ पर वस्तु का समस्त वस्तु का मध्य बिंदु हो, चारों दिशाओं में घूम सके, और वह बिंदु जहाँ पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता हो। बस इससे ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है, बस दो पॉइंट याद रखिए। ठीक है, और जहाँ पर तीनों तल, जैसे कि हमारे किनेसियोलॉजी में बायोमैकेनिक्स में तीन तल यानी प्लेन एंड तीन अक्ष यानी एक्सिस के बारे में बताया गया है। तो तीनों तल यानी प्लेन एंड एक्सिस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी पूरी डिटेल में, एकदम फैक्ट शॉर्ट में, कि आपको बहुत ज़्यादा न पढ़ना पड़े, ओनली कुछ मिनट के में आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो जहाँ पर तीनों तल सेजिटल फ्रंटल ट्रांसवर्स मिलती हैं, उस स्थान को सीजी पॉइंट या कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, एंड लंबाई की 55 से 60% भाग पर गुरुत्व केंद्र स्थित होता है। ठीक है, जैसा कि जिसका भी कितना भी लंबाई है, मान लो वो 120 सेंटीमीटर उसका लंबाई है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा, मध्य बिंदु पे रहेगा। तो 120 सेंटीमीटर लंबाई में मध्य बिंदु कहाँ पे आएगा? 55 या 60 सेंटीमीटर यानी मध्य बिंदु पर आएगा। तो इसी प्रकार लंबाई की 55 से 60% भाग पर गुरुत्व केंद्र निहित होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है जो क्वेश्चन यहाँ से जरूर उठाता है कि स्त्री के शरीर का सीजी पॉइंट यानी जो गुरुत्व केंद्र होता है वो पुरुषों की अपेक्षा नीचे होती है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे जरूर जरूर अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि स्त्री के शरीर का जो सीजी पॉइंट होता है पुरुषों की अपेक्षा नीचे होती है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य कि स्त्री के शरीर का सीजी पॉइंट पुरुषों से नीचे होती है, और उस प्रकार से भी कह सकते हैं कि पुरुषों का सीजी पॉइंट स्त्रियों से ऊपर होता है। ठीक है, तो स्त्री के शरीर का सीजी पॉइंट पुरुषों के अपेक्षा नीचे क्यों होता है? क्योंकि स्त्री के शरीर का निचले शरीर का भाग जो होता है, निचले शरीर के भाग का भार अधिक होता है।
दोस्तों इसीलिए स्त्रियों का सीजी पॉइंट नीचे होता है, तो इसका एक सिद्धांत है कि किसी वस्तु का सीजी पॉइंट जितना नीचे होगा वह उतना ही संतुलन अवस्था में होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि स्त्री के शरीर का सीजी पॉइंट पुरुषों के पीछे नीचे होता है, तो इससे पता चलता है कि स्त्री जो है, जो महिलाएं होती हैं, वो संतुलन की क्रियाएं आसानी से कर लेती हैं, जबकि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा संतुलन की क्रियाएं उतनी आसानी से नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए संतुलन वाले खेल क्रियाओं में महिलाएं ज्यादा आसानी से ट्रेनिंग प्राप्त कर सकती हैं, जबकि पुरुषों को ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार बच्चों में, नेक्स्ट है, बच्चों में बड़ों से ऊंचाई पर सीजी पॉइंट होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। स्त्रियों की सीजी पॉइंट पुरुषों से नीचे और बच्चों का सीजी पॉइंट बड़ों से ऊंचाई पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये जो हमारा सीजी पॉइंट है ना दोस्तों, ये चेंज होता रहता है। कैसे, किस प्रकार चेंज होता है, कि अतिरिक्त वजन रखने पर सीजी का स्थान जो है वो परिवर्तन हो जाता है। अगर आप किसी हमारे अपने शरीर पर बहुत ज़्यादा भार, जितना हमारा शरीर है उसके अतिरिक्त कोई चीज़ भार लेकर चलते हैं, तो हमारा जो सीजी पॉइंट है ना उसका स्थान जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों ये था सीजी पॉइंट यानी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। तो इसमें तीन चार क्वेश्चन एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सीजी पॉइंट या कार्डिनल पॉइंट किसे कहते हैं। तो सीजी पॉइंट या कार्डिनल पॉइंट इससे क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, हर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि जहाँ पर तीनों तल, वहाँ पे सर्जिकल फ्रंटल ट्रांसवर्स नहीं दिया रहेगा, बस इतना ही दे सकता है। जहाँ पे तीनों तल मिलती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, सीजी पॉइंट या कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, एंड एक प्रश्न बन सकता है कि स्त्रियों के शरीर का सीजी पॉइंट से नीचे होता है या ऊपर होता है, इस तरह से आपसे बना के देगा, तो वहाँ पे स्त्रियों के शरीर का सीजी पॉइंट पुरुषों की अपेक्षा नीचे होती है और बच्चों का वयस्कों से यानी बड़ों से ऊपर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक प्रकार से ये भी पूछ सकता है कि सीजी पॉइंट किस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होगा कि अतिरिक्त वजन रखने पर सीजी का स्थान यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का स्थान क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, एंड एक प्रकार से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते किसे हैं। तो आप आंसर देंगे कि वस्तु का मध्य बिंदु, जहाँ से वस्तु चारों दिशाओं में घूमने के लिए मुक्त हो, या वह बिंदु जहाँ पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता हो। तो दोस्तों ये था सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, एंड नेक्स्ट टॉपिक का इंतजार कीजिए। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।